हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, मेरे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय सर। तो जूलॉजी की जो गुरुनीति की सीरीज है, इसके अंदर हम लोग नर्वस और एंडोक्राइन खत्म कर चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट आज हम ये डिस्कस करेंगे एपिसोड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें सर हम लोग स्ट्रक्चर बेसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर सर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से थोड़ा इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। 47th नंबर का एपिसोड है बच्चों आपका। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से देखना है जी। तो इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लें, बिकॉज हम भूल जाते हैं एंड में कि करेक्ट सेलेक्ट करना है या इनकरेक्ट। ये प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी कॉमन चीज, बिल्कुल इसीलिए मिस्टेक में अपन इंक्लूड कर लेते हैं चीजों को। तो पहला ऑप्शन देखिए आप क्या दे रहा है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल necessary for spermatogenesis। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके स्टेटमेंट जो है, वो कह रहा है कि स्क्रोटम जो होता है जहां पर टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं, उसका जो टेम्परेचर है एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा एब्डोमन है, जो एब्डोमिनल कैविटी में सबसे पहले टेस्टिस बनते हैं और 7 month की एज में जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, 7 month में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, उस समय ये आपके जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में आ जाते हैं इंग्विनल कैनाल के थ्रू बिल्कुल। और ऐसा क्यों होता है कि ये कंडीशन, क्योंकि एब्डोमिनल के अंदर आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, इंटेस्टाइन वगैरह, तो टेम्परेचर हाई रहता है, बिल्कुल। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं है। उस वजह से नेचर ने इसको कहां शिफ्ट कर दिया, स्क्रोटम सैक के अंदर, और वहां पर टेम्परेचर कम होगा जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए फेवरेबल होगा, उसलिए ये नेचर ने ऐसा किया है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है ना सर, और हमें तो इनकरेक्ट पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल। Each testis has about 250 testicular lobule. बिल्कुल जी सर, जैसे अगर अपन testis के structure draw करें तो testis के अंदर आप देखिए दो part होते हैं, आगे वाला ventral होता है, पीछे वाला dorsal होता है। जी सर, बिल्कुल। अब ये जो इसकी जो covering होती है, total 3 covering होती है, एक सबसे बाहर वाली जिसको अपन कहते हैं tunica vaginalis, बिल्कुल, और उसके अंदर जाते हैं तो tunica albuginea, और सबसे अंदर आती है tunica vasculosa। जी, जो tunica vaginalis albuginea है वो बेसिकली इस टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, वेंट्रल और डोर्सल में। फिर क्या करती है, इस वेंट्रल पार्ट के अंदर को फिर फर्दर इसको डिवाइड कर देती है 250, बिल्कुल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। और अपन को पता है इनके अंदर 1, 2, 3 सेमिनिफेरस है, किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। जी जी सर, तो बिल्कुल और ये सही स्टेटमेंट है ये, और एनसीईआरटी की लाइन भी, अगर बच्चे एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं तो ये भी जी हो जाएगा, ये सही है सर, टी लिख देते हैं बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इनसेमिनेशन। जी, ये थोड़ा सा उल्टा दिया स्टेटमेंट इसने, इधर एक मिनट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इनसेमिनेशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, फीमेल के अंदर मेल जो है फीमेल के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इनसेमिनेशन। इनका मतलब इनसाइड, सेमिनेशन का मतलब स्पर्म को रिलीज करना, बिल्कुल। और अगर इसमें आर्टिफिशियल तरीके से किया जाए तो ये एआई वर्ड बन जाता है, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। अब फोर्थ ऑप्शन, तो ये भी सब सही है हमारा। जी बिल्कुल सही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू रेटिटेस्टिस थ्रू वासा एफरेंशिया। ये गलत हो गया, गलत हो गया। देखो इसमें क्या है, जैसे अपन अभी बनाई थी सर टेस्टिस, ये आ गया अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल जी, और यहाँ से अंदर अपन ने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ आकर एक नेटवर्क बना लेती है, इस नेटवर्क को अपन बोलते हैं रेटिटेस्टिस, और इस रेटिटेस्टिस से जो इस अपने ट्यूब निकलती है जिसको अपन कहते हैं वासा एफरेंशिया, जो आकर खुलती है एपिडिडाइमिस के अंदर, जी एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि रेटेटेस्टिस थ्रो द वासा एफरेंशिया, ये ऐसा नहीं हो सकता कि रेटेटेस्टिस ओपन होता है एपिडिडाइमिस, गलत है, वासा एफरेंशिया से कोई लिंक है ही नहीं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ले जाने का काम वासा एफरेंशिया कर सकता, पर ये बोल रहा है कि सेमिनिफेरस से रेटे में, गलत हो गया ना सर, इसके बीच में ऐसे कोई लिंक होता ही नहीं, लिंक नहीं होता, इसी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, फाल्स हो गया। तो इसीलिए सर हम लोग इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये परफेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। जी सर, यूरेथ्रा इन मेल पासस थ्रू डैश एंड दिस इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ऑन डैश
साइड. बिल्कुल. इरेक्टाइल वर्ड आ रहा है तो सर ये मेल में इरेक्टाइल ऑर्गन जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है पेनिस. तो अपन ने पेनिस का अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो देखिए आप ट्रांसवर्स सेक्शन अगर मैं कट करूं तो इसके अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं और इन ब्लड साइनसेस के अंदर ब्लड जब कलेक्ट होता है तब पेनिस की लेंथ इंक्रीज होती है. ठीक है. तो ये जो ब्लड साइनसेस जो डोर्सल साइड में है और ये वेंट्रल साइड में है. जो डोर्सल साइड में इसको अपन बोलते हैं कार्पोसा केवर्नोसा. जी कार्पोसा केवर्नोसा. इससे बोलते हैं कार्पोसा स्पंजियोसा. ठीक है. ये दोनों ये नंबर्स में 2 है ये नंबर में 1 है और इसी के बीच में हो रहा है यूरिथ्रल मीटस जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों आते हैं. ठीक है. तो अब आप देखिए इसके अंदर कि ये वाला जो है वो आपके इस ऑप्शन में कैसे मैच कर रहा है. अच्छा क्वेश्चन था सर. जी जी बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. यहां से नेक्स्ट पे चलते हैं सर. ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट्स ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम. सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है तो कुल मिला के कहना चाह रहा है कि जो इनसेमिनेशन प्रोसेस है उसमें मेल द्वारा जो इजेकुलेशन होता है सीमन का वो फीमेल के किस पार्ट में होता है. तो ऑब्वियसली सर कि ये हमारी देखा जाए इन पार्ट्स में सबसे बाहर की तरफ जो ए वाला पार्ट है ये है वेजाइना. वेजाइना जिसको अपन बर्थ कैनाल बोलते हैं. जी बिल्कुल. तो वेजाइना के अंदर ही इजेकुलेशन. दूसरा ऑप्शन सर्विक्स दिया लेकिन सर्विक्स बहुत अंदर की होता है. बहुत अंदर की होता है. पर यहाँ पे एक दिलचस्प बात है कि एनिमल्स में जब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो कुछ एनिमल्स में जो गन होती है एआई गनों से सर्विक्स तक एंटर करके वहां पर इंसेमिनेशन हम सर्विक्स में देख सकते हैं. पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इजेक्युलेशन नॉर्मल पूछा है तो आंसर सर क्या हो जाएगा इसका. फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर दे रखा है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. Which accessory genital gland in male secrete spermatozoa activating substances? यानी कि शुक्राणुओं को क्रियाशील करने वाले पदार्थ. जी अब देखा जाए तो सर बच्चों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक तो रिलेटेड हो गई कि कौन क्रियाशील कर रहे हैं एक्टिव ऑन करता है. तो देखो सिट्रेट इनोसिटॉल नाम ही दे दिया इनोसिटॉल प्रोस्टाग्लैंडिंस. ठीक है. फ्रक्टोज और सेवरल प्रोटीन्स. सेवरल प्रोटीन आल्सो जैसे फिब्रिनोजन हुआ फिब्रिनोलाइसिन हुआ ये काफी चीजें यहाँ से निकल कर आती है. तो आप ध्यान रखिएगा इसमें सबसे बड़ी बात क्या. देखो आप प्रोस्टाग्लैंडिंस दे दिया फ्रक्टोज दे दिया सेवरल प्रोटीन और स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस. बल्बो यूरेथ्रल तो करेगी नहीं क्योंकि बल्बो यूरेथ्रल आप जानते हो बल्बो यूरेथ्रल पेनिस में लोकेटेड होती है इसका कोई इससे कोई लिंक नहीं होता. दूसरा कॉपर ग्लैंड जो है आपके वो आपके कहां पर लोकेट होगी ये बल्बो यूरेथ्रल का ही सिनोनिम्स है. यानी इसी का ही सिनोनिम्स दे दिया इन्होंने. ऊपर वाले दोनों तो होंगे दोनों तो सेम ही हो गए ये ऑप्शन ही. ठीक है. तीसरा सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है अपन मानते हैं लेकिन ऐसे सब्सटेंस रिलीज नहीं करता है जैसे मान लो ये सिट्रेट आ गया ये यहां से नहीं आएगा ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आएगा. ठीक है ना. तो अब आप तीसरा देख लो फोर्थ देख लो आप प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोस्टेट जब ओल्ड एज हो जाती है तो इस प्रोस्टेट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है इसकी. बिल्कुल. बेसिकली ये नंबर में तो मेल के अंदर एक ही है लेकिन इसके लोब 4 to 5 हो सकते हैं. बिल्कुल. तो नंबर में ये मेल में फीमेल में तो एब्सेंट है. दूसरी बात ये ओल्ड एज के अंदर यहाँ पर क्योंकि अपने अपना यूरिथ्रा है ये यूरिथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होती है जस्ट यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग के नीचे तो वहां पर जो नाइट्रोजन वेस्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो ओल्ड एज में इसमें क्या हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है जिसको अपन कहते हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट है ना. और उससे यूरिन फिर अपने को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है. ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है. ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यूरिनेट इनकॉन्टिनेंस भी अपन कह सकते हैं. बहुत सी प्रॉब्लम आती है. तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती है इसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. प्रोस्टेट कैंसर काफी आजकल बिल्कुल स्प्रेड हो रखा है अच्छा खासा. ठीक है. तो इसका आंसर तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें सर स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करने के जो सब्सटेंसेस हैं उनका रिलीज कौन करेगी एसएसआरआई ग्लैंड प्रोस्टेट के फिब्रिन्स के अंदर से रिलीज होता है फिब्रिनोलाइसिन. ये फिब्रिनोलाइसिन क्या करता है जो सेमिनल वेसाइकल है जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है सेमिकल वेसाइकल रिलीज करता है फिब्रिनोजन जो स्पर्म्स को जो स्पर्मेटोजोआ को इकट्ठा कर देता है ताकि वो फालतू में घूम के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करे. और जैसे ही ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है ये फिब्रिनोलाइसिन आकर क्या करता है जिसको रिलीज कर देता है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए इनसेमिनेट हो और वहां पर वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज करता है. कहीं ना कहीं हम देखेंगे
अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के बगल से अगर सीमन गुजर रहा है तो मतलब इंसेमिनेशन होना है, तो इंसेमिनेशन करने के लिए हमें स्पर्म्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले रहेंगे तो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जब तक बॉडी के अंदर है, इस वजह से ये सब्सटेंस ज्यादा अगर एनर्जी वेस्ट कर दी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ह्यूमन मेल इजैक्युलेट्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस। बिल्कुल। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हाउ मेनी स्पर्म्स Be with high motility. Motility का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिए। Meaning हमें देखना होगा सर। यानी कि पुरुष संभोग के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म करता है और सामान्य जनन क्षमता के लिए कितनी मोटिलिटी बिल्कुल। अब इसमें 2% एनसीआरटी शो करती है, एक तो शो करती है 60% जी, यानी कि इस जो आपके 200 टू 300 मिलियन जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनका 60% नॉर्मल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इस 60% का 40% आपके विग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी यानी 40% तो वेजाइना में ट्रेक में यूट्रस में कहीं डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये तो ये अपना रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है ना। 60% जो वो ट्रेवल करते हैं इसके भी 40% आपके ये होने चाहिए, कौन से जिसके अंदर आप जो बता रहे थे सर हाई मोटिलिटी वाला। हाई मोटिलिटी मतलब मूवमेंट जो है स्पर्म्स का जी, क्योंकि एक वर्ड होता है मोटिलिटी, बिल्कुल वो अलग है, वो तो डेथ रेट हो गई, वो मोटिलिटी वर्ड है ना बच्चों, और मतलब गतिशीलता हिंदी में तो साफ इसको समझ क्लियर ही आ जाता है। तो 40% सर 40% जी बिल्कुल, याद करने वाला सही फैक्चुअल क्वेश्चन है जी, याद रख सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ईच ओवरी को एक ओवरी जो है ईच ओवरी इज अ कॉम्पैक्ट ऑर्गन जिसके दो पार्ट होते हैं, बच्चों को सभी को पता है कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स बाहर वाला और मेडुला अंदर वाला। अब ये सर सीक्वेंस ऑफ लेयर पूछ रहा है आउटर टू इनर, तो ओवरी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओवरी की स्ट्रक्चर होनी है ये, आप ओवरी बना दी मैंने, ओवरी के जितने भी अपने विसरल ऑर्गन है सारे एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करने वाली होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के दो पार्ट होते हैं पैराइटल और विसरल, ठीक है ना। और जो ऑर्गन की तरफ होती है वो विसरल, विसरल होगी ऑलवेज। तो सबसे पहले तो आगे बार विसरल पेरिटोनियम, बिल्कुल सर। उसके बाद में एक दूसरी लेयर आती है जिसका नाम होता है आपके जर्मिनल एपिथीलियम, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है, बिल्कुल सर जी। और उसके नीचे आ जाती है आपके ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके बाद में आ जाता है इसका पार्ट कॉर्टेक्स, और फिर आ जाता है इनर मोस्ट पार्ट जो है बीच वाला वो है मेडुला। ये इसका सीक्वेंस हो गया आउटर टू इनर, और मेडुला वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स बिल्कुल ये सारी चीजें, जितने भी फोलिकल बनेगी वो कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनेगी। तो सर इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें जिस तरीके का आपने डायग्राम बनाया है, तो शुरुआत विसरल से होनी चाहिए, तो सर पेरोटियल वाले पेराइटल वाले ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और जर्मिनल वाला भी गलत हो गया, बिल्कुल विसरल पेरिटोनियम बिल्कुल सही बात है। सेकंड पर जर्मिनल एपिथेलियम, तो देखिए सर सेकंड ऑप्शन में इसने ट्यूनिका बता दिया, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो सीक्वेंस हमने ड्रॉ करी है उसके रिगार्डिंग फर्स्ट आंसर हमारा आंसर हो गया फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं सर। In graphene follicle, the fluid filled in the cavity. अब कई बार confusion हो जाता है कि जो cavity है वो बच्चे answer यहाँ पे एंट्रम लगा देंगे, ना ना क्योंकि cavity नहीं पूछी सर, इसलिए क्या पूछा है cavity में भरा हुआ तरल कौन सा है। ऐसे इस तरह से होती है, अपन बनाएंगे जब ये secondary oocyte की structure बनाएंगे तो यहाँ पर ये कैविटी बनती है सेल्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो बीच में जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर जो फ्लूड होता है जो इनको न्यूट्रिशन देता है, जो सेकेंडरी ऊसाइट डेवलप हो रही है उनकी सेल्स को सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, इसको अपन एक स्पेशल नाम देते हैं लिक्विड फॉलिकुल, इसका नाम है लिक्विड फॉलिकुल, लिक्विड फॉलिकुल ये आपको रटके रखना है बिल्कुल, और ध्यान रखना ये टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये तो डायरेक्ट देखो आप लिखा भी इसमें ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन जो अपन ओवरी में स्टेजेस की बात करें तो पहले बनती है प्राइमरी सेकेंड फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनते ही आपके लिक्विड फॉलिकल बन जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल में फुल मैच्योर हो जाएगा, फुल मैच्योर बिल्कुल। और इसके अंदर एस्ट्रोजन जो है वो भी हमारा बिल्कुल रिलीज होता है और स्टोर भी रहता है एस्ट्रोजन, तभी जब ग्रेफिन फॉलिकल ब्रस्ट होती है सर ओवम रिलीज होता है, तो लिक्विड फॉलिकल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो बाहर आने के बाद जो सर्ज है जो बेसिकली जिसे हम लोग हीट भी कहते हैं, तो वो भी जो सिम्टम्स डेवलप बिल्कुल होता है और बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ओवुलेशन को प्रमोट करता है, ओवुलेशन बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान बात सर इसमें केवल इतनी सी रखने की थी कि फॉलिकल का जो नाम है वो बच्चे गलत ना करते क्योंकि उसमें फ्लूड पूछा, फ्लूड पूछा है, तो आंसर हो गया हमारा लिक्विड फॉलिकल, लिक्विड फॉलिकल। नेक्स्ट में चलते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन ये भी बच्चों आपके लिए इनफॉर्मेटिव है। अब सर ये पाथ बताना है मैच्योर स्पर्म का, अब बच्चों गेम सारा की सारा कहां घूम गया, दो आंसर सही है पर मैच्योर स्पर्म का पाथ हमें ध्यान में रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
रेटिटेस्टिस वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस वास डायफ्रंस इजेक्युलेटेड डक यूरेथ्रा. बिल्कुल बात तो सही है. हाँ, लेकिन मैच्योर स्पर्म भी बात नहीं है क्योंकि मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस. देखो इसमें बिल्कुल सही बात है. फंक्शनल मैच्योरेशन का हो रहा है स्पर्म का, वो होता है एपिडिडाइमिस में. तो आपको क्वेश्चन को आंसर को ऑप्शन को एपिडिडाइमिस से स्टार्ट करना है. हाँ. क्योंकि आपको देखो ये सर ने जो इसको हाईलाइट किया ना मैच्योर स्पर्म, यानी कि ये फंक्शनल मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं सर आपसे. ये फंक्शनल मैच्योरेशन कहां पर होता है? फंक्शनल मैच्योरेशन होता है आपके एपिडिडाइमिस के अंदर. ध्यान रखिएगा मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में होता है. तो एपिडिडाइमिस से आगे का रूट आप डिसाइड कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं. तो अब देख लो इसमें कहीं एपिडिडाइमिस सेकंड से हो रहा है, इससे आगे की पूरी कहानी ये वहां से सही आंसर. बिल्कुल एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस इजेक्युलेटरी ट्रैक्ट और यूरेथ्रा. बिल्कुल सही बात है. पहला ऑप्शन भी गलत नहीं था, बट ये स्पर्म का पूछता तो सर सही होता है. क्या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलने का, तो आंसर फंस जाता. अदरवाइज ने मैच्योर लिखा था, सही आंसर कौन सा हो गया? सेकंड सेकंड अब स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ फीमेल. ईच मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डैश लोब्यूल व्हिच इज डैश टाइप. बिल्कुल इसमें एपिथेलियल टिश्यू को भी पूछ लिया है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पूछने मेमरी ग्लैंड को, दोनों बातें पूछी. पहला आपको इसके अंदर पूछ रहा है कि जो लोब्यूल है उसके नंबर कितने होते हैं. पहली बात तो ये अपन को दे. तो लोब्यूल के नंबर हमें पता है 15-25 होते हैं. जो एनसीईआरटी में डाटा है आपको वही लर्न रखना है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं 15-25 15-25 यहीं से आंसर आ जाता है. लेकिन थोड़ी एक इनफॉर्म मान लो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देकर आगे वाला केवल आगे वाला दे दे कि इसके अंदर किसका मॉडिफिकेशन हुआ है आपको ये पूछ ले तो आपको बताना हमेशा कंपाउंड ट्यूबुलर टाइप ऑफ ग्लैंड हो गया. मॉडिफिकेशन देखें अगर हम लोग तो स्वेट ग्लैंड क्योंकि लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड मॉडिफिकेशन है. लार्जेस्ट अपने स्वेट ग्लैंड है अपनी बॉडी की मेमरी ग्लैंड जो है जिसको अपन कहते हैं आगे वाला जो पार्ट होता है निप्पल के पास जिसको कहते हैं एरियोला मेमी. लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड ऑफ ओवर बॉडी. जी सर. तो इसमें ध्यान रखिए कि आप तीनों इन्फॉर्मेशन दिए, देखो नंबर्स भी दिए, उसके बाद में कंपाउंड ट्यूबुलर यानी सीक्रेशन का जो टाइप है वो थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता दूं आपको. इसमें ट्यूब भी होती है, ठीक है ना. ट्यूब के साथ में ट्यूब की ब्रांच भी होती है और ब्रांच के साथ पीछे एल्वियोलाई भी बनी होती है. दोनों होने की वजह से ये कंपाउंड ट्यूबुलर. सर सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब. बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब से आपको स्पर्म को रिलीज कराना है. स्पर्मिएशन. बिल्कुल सिंगल शॉर्ट आंसर इसका स्पर्मिएशन. स्पर्म जो स्पर्म फॉर्म द टेस्ट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. स्पर्म और मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में रिलीज करना इनसेमिनेशन. वो इनसेमिनेशन. तो स्पर्मिएशन इसका हो गया सेकंड आंसर. और अगर सिंपल इजेक्युलेशन हो रहा है जी. तो फिर वर्ड आ जाएगा इजेक्युलेशन. ये वर्ड बहुत कंफ्यूजन है. स्पर्मिएशन इनसेमिनेशन तो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो गया और इजेक्युलेशन मतलब मेल बॉडी से बाहर आना नॉट इन फीमेल बॉडी. नॉट इन फीमेल बॉडी. और स्पर्मिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना है ना सर. तो सेकंड आंसर हो गया बिल्कुल बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त हो गया. अब सर हमें मिसमैच पेयर देखना है ह्यूमन मेल के अंदर. सर्टोली सेल. बिल्कुल नर्स सेल. नर्स सेल होती है बिल्कुल सही होती है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को बेसिकली. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. बिल्कुल सही बात है. वास डिफरेंस में सर ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा की रिच की बात कर रहा है बल्कि सेमिनल प्लाज्मा तो गलत मिसमैच पूछा था तो यही गलत है क्योंकि यूरेथ्रा को मेल में यूरिन में जनरेटर ट्रैक करते हैं. यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है. इसमें दिक्कत ही नहीं. गलत ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन. For if for the some reason vasa efferentia and human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported. यानी सिंपल सा पूछ रहा है कि vasa efferentia कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है क्योंकि अगर vasa efferentia को ब्लॉक कर देंगे तो क्या नहीं होगा. जैसा आपने डायग्राम बनाया था पहले भी बनाया अपने रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस ये आगे टेस्टिकुलर लोब्यूल ये आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये ट्यूब्यूल निकल कर यहां पर बना देती है आपके क्या रेटी टेस्टिस एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस. यस अब यहां से जो स्पर्म आ इधर आएगा हां इसको आपने क्या कर दिया यहां पर ब्लॉक कर दिया. इसको ब्लॉक कर दिया इस जगह से ये ब्लॉक कर दिया. इसको ब्रेटेड टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं आएगा या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में. बिल्कुल टेस्टिस से नहीं है ये टेस्टिस से बाहर ही है एपिडिडाइमिस नोड. तो फिर सर टेस्टिस वेजाइना का तो काम ही नहीं है तो गलत. ये तो ओवरी है. एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस भी नहीं होगा. ये तो इधर हो गया. ओवरी का भी कोई काम नहीं है. टेस्टिस टू
एपिडिडाइमिस, क्योंकि इसे ब्लॉक कर देंगे तो टेस्टिस एपिडिडाइमिस में इसका मुंह नहीं करेगा। सही आंसर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। Which of the following is not a male accessory gland? Male की बात। Male की accessory gland की बात कर रहे हैं सर। Seminal vesicle बिल्कुल seminal vesicle होता है, one pair होता है, right और left दोनों बिल्कुल। Prostate भी only male में होती है। और bulbo urethral gland भी अपने urethra के अंदर होती है। Urethra के अंदर होती है। Membranous urethra के अंदर होती है। और Bartholin female में होती है। तो ये तीनों वाली ये मेल की है, जी ये मेल की है, ये मेल की है, पर ये फीमेल जो वेजाइना के जस्ट बाहर जस्ट सिचुएटेड होती है। इसी वजह से इसका आंसर सर क्या चला गया? फोर हो गया। फोर चला गया क्योंकि नॉट पूछा। बिल्कुल। इन मेल मैमल एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेयर। अच्छा, दोनों का पूछ रहा है ये, यानी कि जो ऐसा पार्ट मेल की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी शेयर किया जाता हो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। जैसा अभी अपन ने कहा था जो मेल है, मेल के अंदर यूरिथ्रा ऐसा होता है जैसे स्पर्म और यूरिन दोनों आते हैं। हाँ। बाकी सब में तो सेपरेट रहता है। टेस्टिस में तो आपने स्पर्म बनेंगे, प्रोस्टेट अपने आप में अलग है, सीक्रेशन करेगी, वासा डिफरेंस, ट्रांसपोर्टर डक्ट है, सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी डक्ट है। तो कुल मिला के ए बी सी डी तो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल। बट यूरिथ्रा एक ऐसा पार्ट है जो स्पर्म भी ले आता है और यूरिन भी ले आता है, ये शेयर करता है दोनों को। तो आंसर इसका ई हो जाएगा, लास्ट वाला। जी सर, बच्चे इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जी। अब इम्प्रॉपरली पेयर्ड जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपरली पेयर्ड। अब जो सर इम्प्रॉपरली पेयर्ड है उन्हें हम लोगों को देखना है। जी। वास डिफरेंस ओविडक्ट, एक मेल का है इधर, फीमेल का मेल का डक्ट हो गया, दोनों सही बात है। स्ट्रोटम लेबिया मैसूरा, बिल्कुल सही है, होमोलोगस ऑर्गन के टाइप है, होमोलोगस के टाइप सर। जी। ग्लांस पेनिस क्लिटोरिस, बिल्कुल। बट टेस्टोस्टेरोन आना चाहिए था एस्ट्रोजन, पर क्या आ गया? एफएसएस। ये गलत हो गया क्योंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है एंड्रोजन के अंदर, और फीमेल में करेक्टर वो करेगा एस्ट्रोजन, इसमें फीमेल पे करेगा क्योंकि एफएसएस तो मेल में भी रिलीज होगा फीमेल में भी रिलीज होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया सर? फोर, जो मिसमैच है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, अपन बात कर चुके हैं। बिल्कुल, स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ही होता है। जी। लेडिंग सेल स्कैटर्ड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यहां तक ये बात सही है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। नरिशमेंट नहीं देती, वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। हां, एंड्रोजन को रिलीज करती है। अगर इस तरीके से सेक्शन देखें तो सर ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गई और ये बाहर का जो पार्ट है इसे इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं और यहां पे हमारी लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बिल्कुल। अब स्पर्म तो अंदर बन रहे हैं तो न्यूट्रिशन का बाहर से क्या होता है सर? मतलब सर्टोली काम करेगी। बिल्कुल, सर्टोली का काम है न्यूट्रिशन देना। तो ये हो गया सर हमारा, आपके सेकंड आंसर हो गया गलत है। गलत है, बिल्कुल है ना, और सिंगल शॉट है तो फर्स्ट ही होगा। अगर ये देखें हम लोग, मोस्ट मैमल स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स प्रॉपर्ली ओनली व्हेन द टेस्टिस आर कूलर देन द नॉर्मल। अभी हम बिल्कुल अभी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस अपन ने लो कर रहे थे टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर पे बनेगा। की बात हो गई सर। स्पर्म व्हाइल पासिंग थ्रू द एपिडिडाइमिस अटेंड मोटिलिटी, जिसके ऊपर आपने जो आंसर एपिडिडाइमिस वाला सेलेक्ट किया था वो इसी बेस पर था कि फंक्शनल मैच्योरेशन का होता है एपिडिडाइमिस में होता है। सही आंसर हो गया हमारा सेकंड पे। बिल्कुल सेकंड हो गया, करेक्ट है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग रिप्रेजेंट अनपेयर्ड स्ट्रक्चर, याद रखिएगा अनपेयर्ड पूछ रहा है ये। पहले अब आप डायग्राम पहचान लीजिए किसका, ये मेल रिप्रोडक्टिव का है। बिल्कुल, है ना। तो अब आप अनपेयर्ड कौन कौन सी होती है देखिए। पहला जो दे रहा है ये ए पे है, ये ए दे रहा है यूरिथ्रा, ये अनपेयर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। बी जो रहा है प्रोस्टेट, ये भी आपके अनपेयर्ड है। दूसर और सी जो है वो आपके दे दिया यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो पेयर्ड होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या है? पेयर्ड है। बिल्कुल, ये पेड है, ये हट गया। और एफ जो दिया आपने वो दिया आपके वासा डिफरेंस इधर, ये भी पेड, एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है। और डी दिया आपके टेस्टिस, ये भी पेड होते हैं, पेड सी बात है। और ई दिया आपने सेमिनल वेसिकल, ये भी पेड होता है। तो आप देख लीजिए ए और बी यानी यूरिथ्रा और प्रोस्टेट जो है वो आपके कौन से हो जाएंगे? अनपेयर हो जाएंगे। पेड हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट हो गया। जी सर, फर्स्ट। अब डिस्क्राइब करना है सर हमें एक्यूरेट और डिटेल रूट किसके पैसेज के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के पैसेज के लिए एल्वियोलाई से आउटसाइड। बिल्कुल, ये जैसे मैंने एल्वियोलाई बना दी, इससे कैसे लेके आऊं बाहर में? ठीक है, सबसे पहले एल्वियोलाई के अंदर सेल्स होती है, उसके अंदर ये सिंथेसिस होता है आपके क्या? मिल्क। तो सबसे पहले आप एल्वियोलाई सेलेक्ट कर लीजिए सर। एल्वियोलाई हमारा थर्ड ऑप्शन में नहीं है तो ये तो हो गया। हाँ बिल्कुल, उड़ गया। ठीक है, अब एल्वियोलाई से ये
आता है स्मॉल आपके क्या नाम के ट्यूब्यूल्स में, इसको अपन बोलते हैं मेमेलरी ट्यूब्यूल, मेमेलरी ट्यूब्यूल बिल्कुल पहले आएगा ट्यूब्यूल्स में, ध्यान रखिएगा ट्यूब्यूल के बाद में आएगा, वो ट्यूब्यूल खूब सारी मिल जाएगी तो बन जाती है डक्ट, इसको अपन कहेंगे मेमोरी डक्ट, उसके बाद में आएगा मेमोरी डक्ट के अंदर, और मेमोरी डक्ट के बाद में आता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, और लैक्टिफेरस के बाद में आ जाता है अपने किसमें बाहर निकल से बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये इसका रूट है पूरा का पूरा। तो सर इसमें सही आंसर अगर हम लोग देखें जी तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस और बिल्निप, ये फोर्थ ऑप्शन जी सर। Testes in the male reproductive system are surrounded by three covers. अभी जैसा आपने बताया था स्टडी में which of the following layer is the outermost cover of the testes? बिल्कुल देखो ये testes जैसे अपन ने बनाया था, इसके दो पार्ट किए थे अपन ने, एक dorsal किया था, एक ventral, एक ventral किया था। तो इसकी कवरिंग कितनी है देखो आप, एक होती है बाहर जिसको अपन डबल लेयर कहते हैं, ये होता है ट्यूनिका वेजिनलिस जो पेराइटल और विसरल दोनों से मिलकर बनी है, इसके नीचे जो आती है उससे अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा, सबसे आउटर मोस्ट कौन से ट्यूनिका वेजिनलिस जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ठीक है, फिर एल्बुजिनिया और आपने वास्कुलोसा, तो बन गया सर ये बिल्कुल वाव। तो ये आपके वेजिनलिस कहाँ रहेगी, ये रहेगी आपकी इसने सबसे बाहरी बाहरी पूछा, इसलिए अब गिवन फिगर डायग्राम शो कर रहे हैं सर, सेक्शनल व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विद फ्यू स्ट्रक्चर मार्क किए हुए हैं ए बी सी टी, अब हमें देखना है लेबलिंग, बेसिकली लेबलिंग करवा रहा है, लेबलिंग सारी की सारी, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से अगर सर हम फेलोपियन ट्यूब की लेबलिंग करें तो भी हो जाएगा, आपके कोई दिक्कत ही नहीं, एग वाला पार्ट बाहर सबसे यूट्रस सबसे इजी होता है बाहर, पेरिमेट्रियम हां, बायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तीन तो लेयर ही हो गई आपके, ये है ना सर, पेरिमेट्रियम मायोमेट्रियम और ये आपके एंडोमेट्रियम हो गई, पर इधर अपन बात करें तो ये फिम्ब्री लिख दिया, इनफंडिबुलम हो गया, ये आपके हो गया एम्पुला, ये हो गया आपके स्टेमस, स्टेमस, तो बिल्कुल बहुत इजी सी बात है। तो अगर हम देखें इसका, अगर हम देखें सर इसको, तो ए कौन सा हो गया हमारा एंडोमेट्रियम, तो ए से ये तो गलत हो गया, पेरिमेट्रियम है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिंगल सी बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीएमटीएस के अंदर जी, ए एंडोमेट्रियम, बी जो है मायोमेट्रियम जी, सी पेरिमेट्रियम, डी स्थनस, बिल्कुल ई एम्पुला और एफ इनफंडिबुलम, परफेक्ट। तो थर्ड हमारा, थर्ड इज एनसीईआरटी का डायग्राम था, बिल्कुल बहुत आसान सर। तो बच्चों नेक्स्ट है सर, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन, देखो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, एक तो होता है फंक्शनल मैच्योरेशन, जो अपन ने बात की थी कि फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, तो फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है वो अपने अंदर होता है एपिडिडाइमिस, और दूसरा जैसे स्पर्म, जैसे स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है, वेजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना से लेकर सर्विक्स से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक, वहां तक ही कैपेसिटेंस गेन करता है, कैपेसिटेंस मतलब टू गेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी डेवलप है वही है आपके क्या कैपेसिटेंस, और ऐसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो आप देखिए रेटेड टेस्टिस में तोला नहीं है तो मेल का पार्ट आ गया, वासा डिफरेंस मेल का पार्ट आ गया, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, ओविडक्ट तो बहुत दूर आ गई, उससे पहले वेजाइना मेन साइट होती है जहां पर अपने क्या नाम की ये स्पर्म जो है वो कैपेसिटेंस गेन करता है ना, ठीक है। तो आंसर इसका सर थर्ड दीजिए आप, बिल्कुल परफेक्ट है सर, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, द स्ट्रक्चर व्हिच अटैचेस टू ओवरी विथ द डॉर्सल वॉल, यानी कि ओवरी डॉर्सल वॉल से किस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहती है, जी जी बिल्कुल, जैसे ये ओवरी है बना रहा हूं मैं, बिल्कुल ओवरी है, इस ओवरी के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, और ये इसको डोर्सल वॉल से अटैच करके रखती है ऊपर, इसको अपन बोलते हैं मीजो, मीजो ओवेरियम, ओवेरियम है ना, अगर यहाँ टेस्टिस होता मेल के तो इसको बोलते थे मीजो ऑर्कियम, मीजो ऑर्किड का मतलब टेस्टिस हो गया, मीजो ओवेरियम यानी मीजो डर्मल ओरिजन है इसका, ठीक है ना, और ये मीजो डर्मल है इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यू इसके लिए आप देख लीजिए वॉलफेन बॉडी से कोई लेना देना, मीजो ओवेरियम बिल्कुल सही बात है, ये टेस्टिस में हो जाता है, ये टेस्टिस में मेजो ऑर्कियम, तो आंसर आप ले लीजिए कौन सा, सेकंड इसका परफेक्ट आंसर है, सेकंड, सेकंड आंसर जी हो जाएगा, तो जी सेकंड आंसर। अब कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, अब हमें यहाँ पर क्या करना है सर, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो लाइफ स्पैन थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हम सर देखें किसका, एलिफेंट का देखिए, पैरोट का देख रहे हैं, पैरोट का तो 100 से 140 के आसपास ईयर का होता है, बहुत लंबा लाइफ स्पैन है इसका, यानी इतने साल जिंदा रहता है आपकी, तो 100 साल तो अपन भी जी सकते हैं जी सर, लेकिन 140 तक पहुंच गया, तो लगता छोटा सा है, लगता छोटा है लेकिन जिंदगी काफी लंबी है इसकी। एलिफेंट की बात करें जो बहुत बड़ा दिखता है,
उसका अपन देखो तो आप 60-90 ईयर्स के आसपास होता है, करीब 60-90 ईयर्स तक हाथी जिंदा रह सकता है भाई। तो कहने का मतलब छोटा आदमी ज्यादा जिंदा रह रहा है और जो बड़ा है वो जो कम जिंदा, इससे कंपैरेटिवली कम भाई। फिर सर काऊ की बात करें अगर हम लोग तो 20 साल के आसपास होता है, 18-20 साल के आसपास होता है गाय का, 18-20 साल, 20-22 साल बिल्कुल एप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। सबसे जो कम है लाइफ स्पैन डेज में जो है, डेज में वो हमारा फ्रूट फ्लाई है। तो आप इतनी रहती है करीबन, ये मान के चलो 60-90 एवरेज दे ले तो 70-80 बिल्कुल 60-90 डेज ओनली और नॉट इयर्स, डेज ओनली डेज। देख लो आप इसको क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, डिक्रीजिंग पहले सबसे ज्यादा लो आप, जब से ज्यादा फिर तो सबसे ज्यादा पैरट आ गया बिल्कुल, पैरट के बाद में आप ले लो एलिफेंट जी, और एलिफेंट के बाद काऊ सर, काऊ के बाद में आपके फ्रूट फ्लाई हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया। ये आंसर हो गया इसका। हाँ। देख लो निकाल लो, सी पर पैरेट है तो सी, हाँ ए पर एलिफेंट है तो ए, डी पर काऊ है और बी पर हमारी फ्रूट फ्लाई है, ठीक है सेकंड ऑप्शन हो गया। ये देख लीजिए आप, ये इन्फॉर्मेशन आप नोट करते जाइए क्योंकि दोनों तो इसलिए गलत हो गए, ए से स्टार्ट हो रहे हैं और सी ए तो सही है पर अगर बी और डी को देखें तो ये अपोजिट दे रखा है जी सर, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये कुछ दे रखे हैं सर, पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या है, इवेंट्स जो इन्वॉल्व नहीं है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कुछ हमें इवेंट्स दे रखे हैं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ टू अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल सही बात है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन ये सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर हो गया क्योंकि माइटोसिस होता है तो सेल एक्जेक्ट कॉपी जो बनती है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं बिल्कुल, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता और ब्लास्टोस का फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर भी होता है जी, तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कौन से इवेंट है जो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व होते हैं हाँ, जो ए बी डी, तो इसमें ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है, ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे दोनों हाँ, क्योंकि इसने सर क्या बता दिया, ब्लास्टोस एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट बता दिया, रिप्रोडक्टिव ब्लास्टो नहीं होता है, ब्लास्टो नहीं होता, तो ए और फीमेल के वुमन के अंदर बात करते हैं ओजोइड्स होता है, बेसिकली ओजोइड को अपन कंसीडर करते हैं, तो सर सही ब्लास्टोस बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए सर हमारा सही आंसर जो हो फर्स्ट और सेकंड दो ही है जो वुमन के रिस्पेक्ट में सही जा रहे हैं, ए और बी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई मीन सेक्सुअल बिल्कुल सर, सेकेंड आंसर इसका जी। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हमें सेलेक्ट करना है विच डज नॉट प्ले एसेंशियल रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है तो मेल में पूछ रहा है, मेल में पूछ रहा है ऐसा पार्ट जो एसेंशियल रोल प्ले नहीं करता, अगर हम सर एपिडिडाइमिस को देखें तो मैच्योरेशन फंक्शनल मैच्योरेशन हो रहा है, स्क्रोटम को देखें बिल्कुल टेंपरेचर मेंटेन का काम कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें फ्लूइड सीक्रेट करेगा बिल्कुल, और स्किन का कोई रोल नहीं है, और स्किन को तो बेसिकली जो मुस्लिम कंट्री कम्युनिटी के लोग हैं उनमें सर्कमसिशन, इसको सर्कमसिशन करके इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन को ज्यादा करती है ब्लास्ट पेनिस का, इसलिए हटा दिया जाए और इसलिए इसका कोई एसेंशियल इससे कोई रोल भी नहीं है, तो वेस्टिजियल की तरह एक्ट करेगा, तो सही आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन जी। अब कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये बोल रहा है कि सर कौन सा मतलब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है मॉन्स विब्यूस होता है, लेबिया मेजर होता है, आउटर लिप बिल्कुल, लेबिया माइनर भी होता है, हाइमन हाइमन भी होती है, क्लाइटोरस भी होता है, प्यूबिक हेयर्स नहीं होते सर, प्यूबिक हेयर क्योंकि ये तो हेयर है कहीं भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो प्यूबिक हेयर मेल्स में भी होते हैं, फीमेल का अगर हम पार्ट थोड़ी कंसीडर करते हैं किसी एक पे आप फोकस नहीं कर नहीं कर सकते, ये नहीं, इसलिए क्या आंसर चला गया ओनली एफ चला गया फोर आंसर। सेलेक्टिव प्रोसेस व्हिच इज जनरली नॉट कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है चलिए सर, तो सर अगर हम लोग देखें स्पर्मेटेलियसिस बिल्कुल जो बेसिकली शेप जो चेंज होती है जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है वो स्पर्मेटेलियोसिस होता है, स्पर्मायोजेनेसिस भी होता है, दोनों बात है जी, मैच्यूरेशन डिवीजन बिल्कुल और स्पर्मेशन, स्पर्मेशन तो वो रिलीज होना हो गया, हाँ। उसका फॉर्मेशन से कोई लेना देना, फॉर्मेशन से कोई लेना देना, अपन ने कहा था टेस्टिस से जब निकलता है सेमेन टेस्टिकल से, इसको हम स्पर्मेशन कहते हैं, स्पर्मेटोलाइट स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ये भी स्पर्माय स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, मैच्योरेशन डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मियोसिस जो बिल्कुल ये सारी एक स्पर्म फॉर्मेशन से रिलेटेड है बिल्कुल, ये तो ये पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये स्पर्मेशन तो एक रिलीज हो गया बन गया उसका क्या मतलब,
थर्ड हो जाएगा। अब सर ये पूछा है हमसे इसने कि रेफर करना है, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम दे रखा है, एबीसीडी बात कर रखी है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई में होते हैं, ये तो सारे डक्ट है, ये देख लो मेन, ये देख लो ये एल्वियोलाई है जी, मैं ये एल्वियोलाई है, ये हमें देखना है। तो अगर सर हम इसको देखें तो ए क्या हो गई, एल्वियोलाई, ये मेमोरी ट्यूब्यूल हो गई, ये मेमोरी, ये मेमोरी डक्ट हो गई, ट्यूब्यूल हो गई, लैक्टिवेरस डक्ट हो गई, ये निपल हो गया, ये आगे सर ये अपने रूट पढ़ा था वही वही वाला रूट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वाले जो पार्ट है जी जी, ये हमारा वो मिल्क सिंथेसिस करेंगे, एल्वियोलाई है, क्लस्टर बनाते हैं। तो आंसर फर्स्ट ये हो गया। हिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, बिल्कुल हिस्टेक्टोमी का मतलब भी अपन को पता है यूट्रस होता है, यूट्रस को जब अपन मान लो किसी कैंसर हो गया, कोई अदर डिजीज हो गया, डिजीज बॉडी से निकाल कर रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस का और भी नाम है बॉम्ब, बॉम्ब जी कॉमनली अपन बोलते हैं, क्या नाम, यूट्रस तो कॉमन बोल दिया अपन ने, है ना, कॉमन वर्ड एक यूट्रस और एक हिस्ट्रा और एक तीसरा एक और वर्ड होता है जो आपकी बुक में मिलेगा बॉम्ब, ना इसको बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। सर आंसर, आंसर सेकंड जी सर, सेकंड ऑप्शन। तो ये हो गया सर हमारा आंसर, बिल्कुल यूट्रस फाइनल आंसर। हाँ, और इसी के साथ आज का जो हमारा गुरुनीति था जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमने ये देखा कि पैरेट से रिलेटेड भी हम लोगों ने बात करी, यानी कि लाइफ स्पेन से एनसीईआरटी को पूरा हम लोगों ने कवर किया, सभी तरीके के क्वेश्चंस जो थे। अब नेक्स्ट जो इसकी सीरीज आएगी सर जी, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बच्चों बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की, अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट किया था, अब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।